हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज से ना मैंने सोचा है कि मैं रोज ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं आलसी बोलती बोलती हूँ, करती हूँ नहीं, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाती हूँ। तो अब मेरा है तय कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और उठ के मैं नहा चुकी हूँ। नहा के भी बिना नहाए लगना वो एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि मुझे अभी इनाया की ड्यूटी भी निभानी है, उसकी मालिश करनी है, उसका नहलाना है। तो मैं जैसे ही उठती हूँ इनाया भी मेरे साथ उठ जाती है। देखो तो देखिए इनाया अभी किस हालत में आया। अभी इसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी तो ये बड़ी सुंदर सी हालत में हो जाएगी। लो 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 लो, यही हूँ यही हूँ यही हूँ यही हूँ बेटा, यही हूँ। हाय कर दो सबको, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग इनाया। पापा बोल रहे ना, पापा, इनाया पापा, इनाया पापा, पापा नहीं चाहिए इसको, मम्मी चाहिए। हाँ, मेरे साथ खेल खेल के बोर हो गया, जब तुम हार की मैं ही खिला रहा था उसको। हाँ, तो अभी इनाया को गोदी में लेके ना हम इनाया का सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे। पहले इनाया को कराएंगे पेट पूजा, फिर काम दूजा। ओके इनाया, इनाया का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया, मैं उसको खिला रही हूँ, देखते उसका रिएक्शन क्या आता है। हाँ, पसंद आ गया, आ गया, पसंद पसंद आ गया भाई, पसंद आ गया इनाया को। ओह, तो बाहर अब मोनू ने अपनी सिंगिंग का रियाज शुरू कर दिया और इनाया को ना सारे गामा पा की बहुत पहचान है। तो जैसे ही शुरू होता है इसकी नज़र बाहर चली जाती है। टिंगू टिंगू ब्रेकफास्ट इनाया ने फिनिश नहीं करा, इनाया की टम्मी फुल हो गई है, ठीक है, और फेस क्लीन कराई है इनाया। तो अभी 10 मिनट बाद मैं इनाया की मसाज करके इसको नहलाऊंगी, नोना बाबू बनाऊंगी, नोना बाबू। इनाया की मालिश मैंने स्टार्ट कर दी है, इसको बहुत मजा आता है मालिश कराने में। पहले बहुत रोती थी बट अब करा लेती है आराम से। तो ये देखो हमारी दीदी जी आ चुकी है, जो कि बहुत शर्मा रहे हैं, कह रहे मेरे बाल तो देखो। मैं क्या, सबसे पहले मुझे देख लो, मैं तो नहा धो के भी बिना नहाए लग रही हूँ। तो ये हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज और ये खाना बहुत ही यम्मी बनाते हैं। तो अभी मोनू नहा रहे हैं और मोनू के नहा के आते ही हम इनाया को नहलाएंगे, क्योंकि इनाया की मसाज को 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ मोनू जी आ चुके हैं नहा के। या वाले हैं पर खुदा आसमानी जहां सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर तू आया खबर जानिया वाह 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 हाड़िया जानिया सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन। ये इनाया नहा के आ चुकी है। आ ले 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 ओम फो इनाया। ये इनाया को, इनाया बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, इनाया रेडी हो चुकी है। यस, और कोमल नहा के भी बिना नहाए लग रही है। अरे वाह वाह, ये वो लग रही है मुझे छुटकी दो चोटियां बना के, चुटकी चोटा बीम 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 की लड़की, मैं टुनटुन मौसी और ये मेरी चुटकी। इनाया नहा धो के सो गई है। ये लाइफ, यही टाइम मस्त है, यही नहाया खाया पिया, नहाया धोया सोया, प्यार थे रो के बढ़िया सा, और हम नहा धो के बिना नहाए।
वैसे तो मैं नहा धोके तैयार तैयार होके इनाया को रेडी वेडी करके अपने स्टूडियो जाती हूँ, ठीक है। बट अभी और स्टूडियो मेरा मम्मी घर पे शिफ्ट हुआ हुआ है, तो मम्मी अभी 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो आज गुड्डू यहीं आएगी मेरे पास ही, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, पापा अपनी शॉप पे, भाई अपनी शॉप पे, तो इसलिए मैं अभी 2 दिन कहीं नहीं जा रही, घर पे ही रेस्ट पे। किसी बेटी रोज़ की डेली रूटीन आपको देखनी पड़ेगी, चाहे बोरिंग हो चाहे कैसी भी हो, देखनी तो पड़ेगी। अब तो मैंने ठान लिया व्लॉग बनाना है, तो बनाना है डेली बस। हाँ नहीं तो आपने कुछ कहना है? इतना कुछ कह दिया बिल्लू, मैं क्या कहूँगा। मोनू ना मुझे प्यार से बिल्लू बुलाते हैं, बिल्लू बिल्ली यो यो लव यू आई लव यू ओके। आप उठ गए हो? आप उठ गए हो? ये ये सब टॉयज इनाया के पास रहते हैं, ठीक है। पर इनाया खेलती पता किससे है? इससे, मेरे बैग से, सिर्फ इससे खेलती है। सारे टॉयज ऐसे ही पड़े हैं। ये देखिए आ चुका है मेरा बड़ा इनाया का मामा। गाइस इनाया की डबल माँ आ गई, मामा। और ये आ गई है इनाया की मासी। ये है इनाया की मौसी। हाय इनाया। आई 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 का कर रहे हो आप? दीदी निकाल के बैठी हुई है। ये देखो ये आके मुझे ऐसे आ रही है, मैं क्या गाऊं? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, इनाया सी मोहब्बत की राह में आकर तो देखो दे। चलो बैठ बैठ जाओ गाइस इनाया अपनी मासी के साथ ऐसे ही खेलती है, वो नीचे बिठाती है, नीचे नहीं बैठती, उसकी गोदी में चिपकती है जा जा के। बिठाइए इसको गुड्डू वापस, बिठाइए दोबारा से, बैठ जाओ, थक गई मासी उधर। देखो दोबारा बिठा, दोबारा बिठाइयो, बस 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 अब बस। चिपक गई, चल गई वाली। वाओ मोनू आप क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? शेप। किस चीज का? मोनू एवोकाडो शेक बना रहे हैं। ये मोनू ने इसमें एवोकाडो डाले हैं, तोड़ के काट के छील के, ये एवोकाडो, और इसमें मोनू ने डाले हैं पीनट बटर, पिंठौला खा। ये वाला जो पीनट बटर है ना यार, इसमें ना एक तो शुगर ही नहीं है बिल्कुल भी, जीरो शुगर, और ये इतना फीका है ना, मतलब इसको रुखा तो खा ही नहीं सकता बंदा बिल्कुल भी। तो इसमें शुगर नहीं है, तो हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं, इसमें डालेंगे। सब चले गए हैं, मोनू अपने शॉप पे चले गए हैं, गुड्डू अपनी ट्यूशन गई है, पारस भी चला गया है, और पारस और गुड्डू अपनी कुछ वीडियोस बना के गए हैं जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और अभी रहते हैं हम इनाया के साथ, ऐसे ही कट रहा है मेरा आज का दिन, कल का दिन भी ऐसे ही कटेगा मेरा घर पे ही,
परसों मम्मा आएंगे तो मैं जाऊंगी कहीं तो गुड्डू ट्यूशन से आई है और ट्यूशन से आते ही नाया ने बहुत मिस करा गुड्डू को, किसके साथ खेल रही है आते ही, मुझे भी भूल गई है। यही तो होती है मासी, माँ जैसी। तो गाइस अभी ना मैं स्टूडियो आ गई और देख लो स्टूडियो भी मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। वैसे मैं ऐसे नहीं आती बिकॉज मेरा आज रात का ही एक मेकअप है जो मुझे करना है किसी का, तो इसलिए मैं स्टूडियो आई हूँ अभी। और मैंने बताया था कि स्टूडियो मैंने मम्मी के घर पे शिफ्ट कर लिया है, तो सबसे पहले तो इनाया आते ही यहाँ सो गई है क्योंकि 7:30 हो गई है और इनाया का स्लीपिंग टाइम भी है, मतलब वो लास्ट 9:00 सो जाती है, तो अभी वो एक नैप ले रही है फिलहाल, तो वो आते ही सो गई है क्योंकि वो रास्ते में ही थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी, उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको आते ही सुला दिया। तो इनाया उठ गई है, देखो 7:30 पे ये सोई थी ना, और 7:45 से भी पहले ये बिल्कुल फ्रेश उठ चुकी हैं। और आपको पता है मम्मी आज आया नहीं, मैंने आपको बताया था कि मम्मा बाहर गए हुए हैं, तो गुड्डू मैडम जी ने अभी मेरे से आटा गूंधवाया कि दीदी आप रात के खाने के लिए आटा गूंधो और सुबह का भी गूंधो ताकि मुझे सुबह सुबह गूंधना ना पड़े क्योंकि पापा ने जल्दी जाना होता शॉप पे। तो मैं आटा गूंध के आई हूँ फटाफट। और मोनू ये लेके आया मेरे लिए राइस, नमकीन राइस बिल्कुल स्पाइसी, मम्मी बनाते हैं बहुत टेस्टी और मम्मी जब भी बनाते हैं तो मेरे लिए ज़रूर भेजते हैं, थैंक यू। तो गाइस ये मेरी हीरोइन जो है रेडी हो चुकी है, देखिए श्रीराम से हाय। तो मेकअप हो चुका कंप्लीट और इनाया को बहुत तेज नींद आई है, ये 9 बजे सो जाती है और अभी टाइम 9:45 हो गई है, तो जाती फटाफट पहले इसको सुलाऊंगी और हम जा रहे हैं अब घर। बाय बाय गुड्डू, बाय 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 करते कह रहे बाय करते काले पीले ही आगे, मेरे को तो देख ले तू से कम बुरे हाल लग रहे हैं मेरे से, अच्छा एक सोने की चैन डाली हुई है और क्या चाहिए तेरे को। तो गाइस घर जाके अब मैंने इसको सुलाना सिर्फ और कुछ नहीं करना, तो मैं घर पे बाय बाय नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि लाइट कर दूंगी बंद। तो बाय बाय गुड नाइट टेक केयर, और मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी और डेली अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे उससे हिम्मत मिलेगी, तो सपोर्ट करना। बाय। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा।